नगर से है। आज कानपुर के स्वरूप नगर में निष्काम कर्मा फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते यह संस्था गरीब बच्चों और गरीब परिवार के लिए मदद के लिए सामने आई। इस संस्था ने गरीब बच्चे पढ़ाई से महरूम ना रह जाएं, गरीब बच्चों के लिए एक ओपन स्कूल भी चलाया जहां पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और साथ ही अन्य कला भी सिखाई जाती है, जिसमें गीत, नृत्य, कविता, शायरी आदि अनेक कला बच्चों को सिखाकर उनको दुनिया में अपना नाम रोशन करने की शिक्षा दी जाती है। वहीं आज इस संस्था ने गरीब बच्चों की एक प्रतियोगिता रखी जिसमें अनेक प्रकार की कला थी, जिसमें गीत, कविता, शायरी आदि थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को प्रश्नोत्तरी पद देकर सम्मानित किया गया और उनका उत्साह बढ़ाया गया। नमस्कार, मेरा नाम स्निग्धा दीक्षित है। मैं निष्काम कर्मा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है बी बोल्ड एंड से इट ऑल वर्जन 3.0, ये ओरिजिनल कार्यक्रम द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स द्वारा कराया जा चुका है आज से पहले बहुत सारे शहरों में। इसे द वर्ल्ड ऑफ हिडन थॉट्स, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिशिंग कंपनी है, वो विभिन्न शहरों में पिछले 3 साल से आयोजित कराती जा रही है। इस बार कानपुर में हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, द पेन नेशन जो कि राइटिंग कम्युनिटी है, और हम द निष्काम कर्मा फाउंडेशन जो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड NGO है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जो आर्टिस्ट हैं जिनके प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जो कि पोइट्री की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में, शायरी की दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, उनको हम ऐसे ही ओपन माइक इवेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि ना कि सिर्फ शहर में बल्कि पूरे देश और विदेश में वो अपना नाम तो रोशन करें और हमारी तरफ से उनको एक सहयोग मिलता रहे जितना हम उनके लिए कर सकते हैं। आज हमारे बीच 20 से ज़्यादा आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं और उनका उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए 100 से ज़्यादा ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आज हमारा इससे समाज को एक सीधा और स्पष्ट संदेश है कि केवल आपका जो डेवलपमेंट है वो किताबों से नहीं होता, आपका डेवलपमेंट आर्ट से भी होता है और आर्ट के विभिन्न रूप होते हैं। उसी एक रूप जिसे हम ओपन माइक इवेंट कहते हैं, जिसमें लोग अपने दिल की बातें, अपना ट्रू इनर सेल्फ एक पोइट्री, शायरी, सिंगिंग या नज़म के थ्रू बताते हैं। तो हमारा ये संदेश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, सिर्फ पढ़ाई को ही अपना उद्देश्य ना लेके चले, इन सब एक्टिविटीज़ में भी कार्यरत रहें और जितना हम सपोर्ट कर सकेंगे तीनों लोग मिलके ज़रूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।